अस्सलाम वालेकुम, की हाल ने वीरो? ठीक ठाक हो जी। बिस्मिल्ला करने हैं अज के विलॉग में, शुरू करने हैं। तो मैं थोड़ा अपना वीर उमर ज़रियाब बाजवा, तो तुम वेख रहे हो ज़रियाब बाजवा विलॉग्स। तो अज से माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक का दिन, नमाज जुम्मा अदा करके निकले हैं पिंडों पिंड वाली मस्जिद चो। तो हूँ मैं आया सी गैस के बिल जमा करवा, डाकखाने आया तो उन्होंने दसिया जी 12 बजे तक जमा हो सकते सन। तो हूँ जोड़ा टेला थोड़ी तो ही हो गए बिल जमा। चलो चलने हैं तो ताले थोड़ा टेलों की सैर कराने। हाँ जी, तो यह जे साडा इतने 49 चक के नाल ही आस्ताना फजल, माशाल्लाह चेक करो। तो यह इतने साडा डाकखाना बनया जे, जिथे गैस के बिल जमा कराने सन तो हो नहीं सके। तो मैं क्या चलो थानू अज अपना इतने आस्ताना फजल चेक कराइए। माशाल्लाह कह दो सारे वीर कमेंट देख के। यह जे जनाब 4 चक्कला रोड, यह जी माशाल्लाह सामने आस्ताना फजल, 49 चक्कला रोड सामने। यह चेक करो जनाब, यह रहा जी 49 चक्कला रोड, 4 चक्कलो जोड़ा आता जी। मैं गया सब बिल जमा कराने, तो बिल जमा कराने की जिम्मेदारी ना मेरी है। तो अज आखिरी डेट सी जिदी वजह तो बिल जमा कराना बहुत जरूरी सी, तो भी 2 महीने का सी। पिछले महीने भी मैं याद नहीं सी रहा जमा कराना, तो इस महीने मैं याद नहीं सी, अज आखिरी तरीक से मैं याद आ गया। तो जो मैं डाकखाने पहुँचा जमा कराने, डाकखाने वाले ने आख्या कि 12 बजे तो पहले जरा ना जमा करा सकते, सो उस तो बाद जमा होने जरा ना बंद हो गए। फिर मैं गया बैंक से, बैंक वालिया ने आख्या कि साड़ा सिस्टम नहीं चलता पाया, तो तुम बाहर जमा करा दो या किसी दूसरे बैंक। फिर मैं एक दुकान पर गया, शॉप पर, लोकल शॉप पर, उत्थे जाके मैं बिल जमा कराया तो मेरा बिल जमा हो गया। फिर मैं सब्जी वगैरह ली है, गोश्त वगैरह लिया, तो हूँ मैं घर पहुँचाया। बाकी थानू पिछले ब्लॉग से जो मैं तुम दसिया कि मड जोड़ा असी मंगवाया सी, हूँ मैं तुम्हें वह विखाण जा रहा। तो चलो उस विलॉग मैं ता नहीं विखा सकिया ताकि जोड़ा ना विलॉग लंबा ना हो जाए, तो लंबा विलॉग तुम वेखते नहीं। मैं क्या चलो 10-11 मिनट का जोड़ा ना विलॉग अपलोड करा करा। तो बाकी जोड़े वीर डेली वेखते हैं उन्होंने तो पता ही होएगा। तो जोड़े जोड़े नवे आए साढ़े चैनल पर, साढ़े चैनल में सबसक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो। चलो चल के विखाने हवेली थानू, जोड़ा शुगर मिल के असी मड लैके आए हैं। मड जोड़ा ना असल शुगर मिल के वो जरा बायर कट देंगे ना उत्तों रोह के उत्तों की, मतलब कि रोह उत्ते जी मैल वगैरह आई होंगी ना वो बाहर कट देंगे ने। तो बाहर कन्वेयर लगी, कन्वेयर के थले जाके डंपर लाते हैं, तो उतों लोड करके लोग अपने जानवर वास्ते लै आते हैं। तो उन्होंने एज आ सैलेज कह लो या पठिया के तौर पर इस्तेमाल करते जे, क्योंकि इस टाइम पठिया की बहुत किल्लत हुई पई है, जिदी वजह तो असी हूँ मड लैके आए हैं, तो मड इस्तेमाल कर लगे हैं। और बाकी अपना हूँ खलोता अज चेक करो, चलो चल के तुम बेली जाके विखाने। यह जी जनाब गड्डी खलोती जी सामने, पिछे सी मड लाया, नज़दीक जाके तुम चेक कराना। यह चेक करो जनाब, यह जे मड जरा तुम दस रहे स, जी सारा तो इनू असी हूँ हवेली के अंदर लैके जा रहे जी। चेक करो अद्धे तो ज़्यादा अंदर लै गए, तकरीबन अद्धा लै गए, थोड़ा जहा पिछे बाकी है। वेखो तुसी, हाँ जी ए चेक करो, साह सी कढ़ के बाहर रख दी जे। ए वेखो डंगर वास्ते जिहड़ी सुक तुहानू सुबह दे विलॉग विच विखाई सी, लास्ट वीडियो विच तुसी वेखे ही होना, ओ जे अपना मड इत्थे साह पई हुई सी उत्थों कढ़ के, ते असी जनाब इत्थे ला लई है ताकि इतने वो वास्ते जगह खाली हो जाए। थले छापर वगैरह पाया जे, इंजन पैक किया जाता ताकि खाण के डंगर के जानवरों के इस्तेमाल वास्ते रवे बाकी।
ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਖਲਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਮੇਟ ਕੇ, ਅਤੇ ਛਾਪਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਵਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਫੈਦ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਉੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਤੂੜੀ ਜੇ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਛਾਪਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਾਬ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੱਢ ਜਨਾਬ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗਾ, ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਸੂਰਜ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੇ। ਓ ਫਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਫਾਨੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੀ ਖੇਡਣ ਡਿਆ? ਨੈਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕੋ ਨਹੀਂ? ਫਾਨੀ ਦਾ ਨੈਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਉਦਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮੱਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਦਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।